यहाँ कुंवारी लड़कियाँ पहले ही हो जाती हैं प्रेग्नेंट, उसके बाद होती है शादी। अब शगुन के डर से निभाते हैं परंपरा। अक्सर लोग जनजाति के लोगों को लेकर धारणा रखते हैं और मानते हैं कि इनकी परंपराएं मॉडर्न जमाने से काफी पीछे हैं। हम जो बरसे पहले छोड़ चुके हैं, लोग उन प्रथाओं से आज जुड़े या बंधे हैं। हम आपकी इसी सोच को तोड़ने वाली एक जनजाति के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ की प्रथा आज के जमाने के लिविंग इन रिलेशनशिप से मिलती जुलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऐसे रिश्ते से संतान पैदा करना आज भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है, लेकिन इस समुदाय में आम बात है। लिविंग इन रिलेशनशिप को लेकर समाज में आज भी विवाद रहता है, लेकिन गरासिया जनजाति में ये परंपरा 1000 वर्षों से चली आ रही है। यहाँ पहले लड़का लड़की साथ रहकर बच्चा पैदा करते हैं, फिर ही शादी के बारे में सोचते हैं। ये जनजाति कोई अफ्रीका या अमेजन के जंगल में नहीं पाई जाती, बल्कि हमारे ही देश में। ये हमारे देश के गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में रहती है और इनकी सोच आपने नए जमाने से काफी आगे है। यही वजह है कि जो हमारी मेट्रो सिटीज में आज हो रहा है, वो इन्होंने सदियों पहले ही कर लिया था। लड़कियों को अपने लिए लड़का चुनने की पूरी आजादी है। इसके लिए एक दो दिन का मेला भी लगाया जाता है। यहाँ पर भी अपने पसंद के लड़के को चुनकर अपने साथ भाग जाती है, फिर वापस होने पर भी शादी करते हैं। परिवार को इस पर कोई एतराज नहीं होता, बल्कि लड़की के घर वालों को कुछ पैसे देते हैं। कपल पर शादी का कोई दबाव नहीं डाला जाता और वे इस रिश्ते से संतान भी पैदा करते हैं। जब तक बच्चा ना हो जाए, तब तक वे शादी के बारे में सोचते तक नहीं है, लेकिन बच्चे के बाद उनकी मर्जी होती है कि शादी करना है या फिर नहीं। दिलचस्प बात यह है कि लड़की पर किसी एक लड़के के साथ जिंदगी बिताने का कोई दबाव नहीं होता। अगर वो साथ में नहीं रहना चाहते तो लड़की अपना दूसरा पार्टनर चुन सकती है। करना ये होता है कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से ज्यादा पैसे देता है, तभी लड़की उसके साथ जा सकती है। यहाँ भी शादी का कोई दबाव नहीं होता। कई लोगों की शादी को बुजुर्ग होने के बाद उनके बच्चे ही कराते हैं और वो अपनी पूरी जिंदगी बिना शादी के एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं। आप भी जानना चाहेंगे कि भला इतनी मॉडर्न प्रथा गरासिया जनजाति में सदियों पहले कौन लाया होगा। मान्यता है कि इसी समुदाय के 4 भाइयों में से 3 भाइयों ने शादी कर ली थी, जबकि एक भाई किसी लड़की के साथ यूं ही रहने लगा। इनमें से 3 भाइयों ने तो बच्चे नहीं हुए, लेकिन चौथे भाई के संतान ने जन्म लिया। तभी से जनजाति के लोगों ने इसे परंपरा बना दिया और ये लोग इसे दापा प्रथा कहते हैं। और इस प्रथा के तहत जब भी शादी होती है तो इसका सारा खर्च दूल्हे की ओर से उठाया जाता है और शादी भी उसी के यहाँ होती है। ये प्रथा कोई नई नहीं है, बल्कि 1000 साल पहले से ही चली जा रही है। जबकि मेट्रो सिटीज में अब ये चलन हो गया है कि लिविंग इन रिलेशनशिप में लड़का लड़की साथ रहते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।